जय राम जी गाइस। तो क्या हाल है आप सभी के? तो भाई आज का सीन देखो भाई, हर जगह मतलब पानी पानी हो रखा है, मतलब पानी पानी हो गई। सुबह सुबह ही आज बारिश पड़ गई है और पड़ भी रही है भाई, तो देखते हैं क्या सीन रहता है आज का। वैसे तो अपना सीन तो सिंपल था भाई, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद अपने लोड उठाना है, लोड उठाने के बाद सीधे चलना है अपने रूट पर। आज देखो रूट कम मिलेगा, मतलब क्योंकि बंदा जो छुट्टी पर चल रहा था वो अब आ चुका है, यानी कि अब हमारे ब्लॉग भी डेली आएंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी सारा दिक्कत हो गई थी तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, लेकिन भाई अब ब्लॉग बनेंगे। लेकिन आज देखो भाई बारिश का मौसम है, मतलब बारिश पड़ रही है, तो देखते हैं भाई क्या किस तरीके से हमारे पार्सल बटेंगे और कब तक बांट पाएंगे, क्योंकि भाई बारिश का कोई पता नहीं कब तेज़ हो जा रही है कब हल्की हो जा रही है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले ऑफिस में, देखते हैं क्या सीन है वहाँ का, तो मिलते हैं सीधे ऑफिस में। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया। भाई देख लो बारिश पड़ रही है इस समय और जा रहे हैं अपने ऑफिस। उसके बाद देखते हैं लोड कैसा रहता है, आज नॉर्मल है या ज़्यादा है, उसके हिसाब से देखेंगे ऑफिस में जाकर के। देखते हैं, चलिए मिलते हैं ऑफिस में, क्योंकि बारिश पड़ी है, मोबाइल भीजने का खतरा है। सही बात है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं ऑफिस और देखो ऑफिस का कुछ आलम ये है भाई, और बारिश अपनी पड़ी रही है, मतलब कितनी टिप पानी बरसा, बारिश पड़ रही है आगे। तो चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं अंदर क्या हो रहा है भाई। चलो ये रखता भाई अपना हेलमेट, अंदर चलते हैं सीधे। तो गाइस अपनी आधी से ज़्यादा डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपने गांव के तरफ, मतलब बस गांव के अंदर ही जाकर के हमें पार्सल बांटने हैं, बाकी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। भाई बारिश का मौसम बन रहा है, मतलब बना हुआ है, लेकिन बारिश सुबह तो पड़ रही थी, अब नहीं पड़ रही है, बस अब थोड़ा रोड बस गीला गीला सा रह गया है। आपका ये हाँ जी यूट्यूब भी चला रहेगा? बिल्कुल साहब, ब्लॉग सेटिंग। ओटीपी आ रखा होगा आपके पास? एक मिनट दिखाना है, स्कैन करना है। 5703 ये अपना कितने सब्सक्राइबर हो गए? अभी 45 हुए यार, अभी तो स्टार्टिंग किया है वाला। तो भाई यहाँ के भी दो पार्सल हैं अपने, स्कैन कर लेते हैं और सीधे चलते हैं। क्या पता रात में ले गया वो कोई, भाई लोगों को पहचान नहीं पड़ती, बताओ कि भाई तू गांव का है, इसी गांव का है क्या? हाँ भाई यार बात कर लो जरा एक बार अपने मालिक साहब से। अरे वाह, पैसे 270 रुपये। ये तो है ही। अच्छा अच्छा, बताइयों से हो गए तुम? तो रह तो तुम यहाँ पे बहुत टाइम से रहे हो? तो भाई यहाँ का भी अपना कंप्लीट हो गया है, अब कहाँ चलना है हमें? अब भाई गांव के अंदर एंट्री करनी है हमें, कहीं नहीं जाना। इसकी दुकान क्यों बंद रहती भाई? फोन ही कर रहे हैं मुझे। बाईस अट्ठावन One hour later. पंछी बनू उड़ते फिरूं मस्त गगन में। आज मैं पार्सल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, मतलब सभी बढ़ चुके हैं, और मतलब आज कुछ ज्यादा तो कहेंगे नहीं कि भाई ज्यादा हो गया है, कुछ कमी मामला था आज तो, लेकिन कंप्लीट कर दिया बस, अब ऑफिस चल रहे हैं भाई। सीधे चलना है हमें ऑफिस की तरफ और बीच में एक जगह रुकना है जहाँ पर हमें पार्सल जो है देना है, और कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी दिखाते हैं भाई आज की क्या अर्निंग रही है और क्या कितना कमा पाए हैं भाई, और तेल का मतलब सब चीज़ आपको मैं डिवाइड करूँगा इसके अंदर वीडियो में, कि ज़्यादा दूर तो नहीं है। यहाँ पर ही देना मेरे को एक पैकेट शायद, कहाँ पर बता रहे थे, कहाँ पर बता रहे थे, वैशाली के अंदर।
ये आपने एड्रेस वहाँ का क्यों डाल दिया था? करवाली बेइज्जती। एड्रेस आपने नंदरामपुर का डाला था ना, ये 90 रुपये दे दीजिए। देख 5 रुपये स्विंग चार्ज होता है ना वो। तो भाई कंप्लीट, ये आपका अपना टास्क कंप्लीट, मतलब अब सीधे में चलना भाई, ऑफिस चलना है भाई। A few moments later. गाइस अपनी डिलीवरी कंप्लीट और इस समय हम खड़े हैं अपनी ऑफिस में। बस यहाँ पर भाई पेंडिंग उन्डिंग का सीन है अभी, मतलब पेंडिंग लगी रही है क्योंकि भाई रिपोर्ट आनी है, यानी रिपोर्ट हमारी जियो फैक होता है ना, जियो फैक यानी जो लोकेशन पर अपडेट नहीं करते उसकी रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आने के बाद ही पेंडिंग होती है। तो जब तक वेट कर रहे हैं लोंडे मैच खेल रहे हैं, देखो हम यहाँ से खड़े होकर बैठ कर देख रहे हैं अपने आराम से, सही है, बाकी करते हैं। ये देखो आने वाला धोनी। तो भाई तुम पर बस सीन है, कुछ ज़्यादा नहीं है बस यहाँ पर। और भाई पार्सल की बात करें तो आज भाई अपने पार्सल कुछ ज़्यादा थे नहीं, मतलब कुछ 44 पार्सल थे जिनमें से हमने 30 डिलीवर्ड कर दिए, मतलब वही 400 कुछ रुपए की हमारी आज की टोटल बनी। और भाई बारिश फिर से आ गई, देखो बारिश फिर से पड़ने लगी यार। ये रुक जाना यार, रुक ला। तो भाई सारा काम कंप्लीट और अब हम निकलने वाले हैं अपने घर को। देखो सब मेरी गाड़ी लग रही है, घर काम कंप्लीट हो चुका है, सीधे चलते हैं भाई घर की तरफ। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर और ये खड़ी भाई अपनी कर लो। अब हमने भाई गंदी हो गई थी क्योंकि बारिश पड़ी थी भाई सुबह सुबह, तो मैंने सोचा पहले इसको धुला लेते हैं, उसके बाद इसका मोबाइल भी चेक करना कि भाई काफी दिन हो गए इसके मोबाइल को देखे हुए, तो देखते हैं भाई इसको नहलाते हैं सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं फिर इसको नहलाते हैं। तो मोबाइल पूरा है बस अब इसको नहलाना बाकी है, अब नहलाते हैं भाई इसको धीरे धीरे, देखते हैं कहाँ का सीन बनता है अभी जाने का, कहीं को चलते हैं थोड़ा। तो भाई नहाते नहाते मैं नहलाते नहलाते अपनी कर लो को, अब रात हो चुकी है तो चलते हैं सीधे घर के अंदर, उसको गाड़ी करते हैं भाई घर के अंदर। तो चलिए पहले करते हैं इसको अंदर। तो गाइस देखो अब सिंपल से कमेंट आते हैं कि भाई अपनी इनकम जरूर बताया करो यार वीडियो में, तो यार इनकम का देखो भाई सिंपल सा फंडा है, जितनी ज्यादा मेहनत उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई आपको, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि भाई देख लो वन डे कितना मतलब इनकम जनरेट हो जाती है। और अगर आप भी मतलब इसमें जॉब को करना चाहते हो तो भाई सिंपल सा मतलब स्टेप्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको जाके अपने जो आपका हब होता है एरिया में वहां पर जाना पड़ता है और उसके अंदर जाकर के आपको अप्लाई करने के लिए बोलना पड़ता है, और अगर वैकेंसी होती है तो आपको वहां पर जॉब मिल जाती है। बस मेरे ख्याल से 3 दिन लगते हैं आपके आईडी क्रिएट होने में, वो भी आईडी क्रिएट करना अगर नहीं आता तो वो भी मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। आपको यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई आप किस तरीके से जो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय हैं उसकी आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको आईडी क्रिएट करनी है, वो 3 दिन के अंदर क्रिएट हो जाती है, उसके बाद सीधे आपको अपने हब में जाकर के मैनेजर से मिलना है, वो आपको बता देंगे, आपको ट्रेनिंग कराएंगे और उसके बाद सीधे आपकी जॉब यानी कि आप डिलीवरी बॉय बन जाओगे। सिंपल सा स्टेप, कुछ ज्यादा नहीं है भाई, पर अपनी डेली ब्लॉगिंग तो चलती रहने वाली है, बीच में काफी सारी दिक्कत हो गई तो वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आपको डेली वीडियोस मिलने वाली है। मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।